गोरखपुर जिले में कोरोना रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जिले में शुक्रवार को कोरोना से 100 मौतें पूरी हो गईं। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार आज गोरखपुर में कोरोना संक्रमण से 5 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 100 पहुंच गई है। आपको बता दें, गोरखपुर जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर शुक्रवार को 274 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,726 हो गई है, जिनमें से 1,153 मरीजों का इलाज हो चुका है, तो वहीं 2,778 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत और 2,695 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जिले में शुक्रवार को जो 274 नए संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 134, ग्रामीण क्षेत्र में 104 और अन्य 36 मरीज मिले हैं। शहरी क्षेत्रों में जो 134 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 45, तिवारीपुर क्षेत्र में 5, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 11, गोरखनाथ क्षेत्र में 24, कैंट क्षेत्र में 22, चिलवाताल क्षेत्र में 3, राजघाट क्षेत्र में 9, कोतवाली क्षेत्र में 8, गुलरिया क्षेत्र में 7 मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो 104 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, उनमें भटहट क्षेत्र में 4, चरगावा क्षेत्र में 30, पिपरौली क्षेत्र में 7, जंगलकोड़िया क्षेत्र में 2, बांसगांव क्षेत्र में 11, गोला क्षेत्र में 6, उरुआ क्षेत्र में 1, गघा क्षेत्र में 2, कौड़ीराम क्षेत्र में 3, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 1, कैंपियरगंज क्षेत्र में 4, होराबाड़ क्षेत्र में 18, चौरी चौरा क्षेत्र में 2, खजनी क्षेत्र में 4, सरदार नगर क्षेत्र में 7, पिपराई क्षेत्र में 2 सहित अन्य 36 मरीज पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि नए पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।